गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी आप? तो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड आपके सामने है। सबसे जो एएफओ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि करंट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आता रहा हूं और उसका थर्ड पार्ट आपके सामने है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इंडियाज वीट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज टू ए रिकॉर्ड 101.20 मैट्रिक मिलियन टन फॉर द क्रॉप ईयर 2018-19। देखो, 2018-19 के अंदर हमारा प्रोडक्शन जो था वीट का 101.20 मिलियन टन था। और इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एमएसपी फॉर वीट फॉर 2020-21। इट मींस कि 2020-21 के लिए जो एमएसपी, जो हमारा रबी सीजन क्रॉप के लिए अभी आया है आपका, वो क्या है? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारा एमएसपी जो आया है उसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है कुछ एमएसपी में, ठीक है। मिनिमम स्पॉट प्राइस आपका इंक्रीज किया गया है और ये आपका जो इंक्रीज करने के बाद अभी प्राइस आपका है वो है 1925। अभी गवर्नमेंट ने जो एमएसपी इंक्रीज किया है, आपके लिए पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइडेड है यहाँ पर नीचे, ठीक है, इसको देख लो। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिसेंट एग्जाम की बात करूं, आपका एफओ 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एमएसपी के रिगार्डिंग, यानी कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस जो आपका 2020-21 के लिए है, ये आपके सामने है, इसको यहाँ से याद कर लेना अच्छे से। और इसमें इंक्रीज कितना हुआ, लास्ट ईयर कितना था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, इस टेबल के अंदर पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करवाया गया है कि आपका लास्ट ईयर कितना था, ठीक है, और अभी इसमें टोटल कितना हो चुका है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हुआ है। आपका ऑब्वियस ही बात है, डिक्रीमेंट तो नहीं हुआ होगा, यहाँ पर इंक्रीज ही हुआ होगा। तो ये आपका इंक्रीज एमएसपी यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि कितना इंक्रीज हुआ आपका लास्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। अब देखो, यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटी ट्रांसपेरेंट है क्या, क्योंकि हमारी मेन समस्या ये होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो देखो, आपके जो लीफ होता है मोस्ट कॉमनली क्या है कि ड्राईलैंड एरिया की बात करता हूं, तो उस एरिया में क्या है, ड्राईलैंड एरिया में आपका ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है और इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। उस एरिया में आपके लीफ के एरिया के लीफ का जो सरफेस है, उस सरफेस से वाटर आपका ज्यादा बाहर ना निकले, वाटर बाहर ज्यादा ना जाए, उसके लिए क्या होता है कि उनके ऊपर हम कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स को यूज करते हैं। ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो है आपके मेनली तीन टाइप के होते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप या रिफ्लेक्टेंट टाइप, ठीक है। तो आपकी तीनों ही टाइप में से ये आपका पूछा गया कि सेलाइट जो है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, रिफ्लेक्टेंट टाइप है या आपका फिल्म फॉर्मिंग टाइप है, ठीक है। तो यहां आपका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्टेंट टाइप। जो स्लाइड होता है वो एक रिफ्लेक्टेंट टाइप है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे पूरा का पूरा टेबल प्रोवाइड करवाया गया है जिसमें कि आपके एंटी ट्रांसपेरेंट टाइप कौन से, सॉरी, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप कौन से हैं, फिल्म कौन से हैं और रिफ्लेक्टेंट टाइप कौन से हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल है, इसे याद कर लेना, एग्जाम के अंदर यहां से आपका बार बार क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप कौन से हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करवाया गया है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट या आपका एसिटिक एसिड या हायर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन होती है उसे भी हम यूज करते हैं एज ए स्टोमेटा क्लोजिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो, ध्यान रखना यहाँ पर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, उस समय उसकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक भी सकती है। लेकिन एक नॉर्मल कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग बात की गई है तो उस समय वो एज ए स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप वहां पर एंटी ट्रांसपेरेंट वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, टर्म गिनिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इसमें पूछा गया कि गिनिंग टर्म जो है वो किसके लिए यूज की गई है। पहला ऑप्शन है पर्ल मिलेट, सेकंड मेज, थर्ड जूट, चौथा सोयाबीन और पांचवा आपका कॉटन। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि गिनिंग प्रोसेस क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके कॉटन के अंदर जब हार्वेस्ट किया जाता है तो कॉटन को जो हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन कहलाता है पिकिंग। जब हम क्या करते हैं, पिकिंग करते हैं, वो हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन है। लेकिन हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होगा, जब आपका हार्वेस्ट कर लिया जाता है उस समय आपका जो सीड कॉटन होता है, सीड कॉटन क्या होता है, जब आपका कॉटन जो फाइबर है उसके बीच में सीड प्रेजेंट है उस समय तक वो क्या कहलाता है, आपका सीड कॉटन कहलाता है। तो सीड कॉटन से कॉटन सीड को, अब जो आपका सीड निकल के आया, बीज निकल के आया है, उसको हम कॉटन सीड बोलते हैं।
सीड कॉटन से कॉटन सीड को और फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, गिनिंग प्रोसेस होता है। और आपको पता होना चाहिए ये हमारा किस में करते हैं, कॉटन में करते हैं। तो आपकी अलग अलग प्रोसेस है जो कि यहां पर की जाती है, पिकिंग, गिनिंग, डीलिंटिंग। पिकिंग में हम क्या करते हैं, उसको कॉटन को निकालते हैं जो हार्वेस्टिंग करते हैं। गिनिंग में हम क्या करेंगे, जो आपका सीड कॉटन होगा और कॉटन सीड होगा उनको सीड कॉटन से आपका कॉटन सीड जो है वो आपका अलग करेंगे, ये आपका कॉटन सीड देख सकते हो। और डी लिंटिंग में क्या होता है कि उसको अलग करने के बाद आपका यहां पर कुछ ना कुछ फज टाइप उसके ऊपर रह जाता है, लिंट रह जाता है। उस लिंट को और आपके सीड को बिल्कुल अलग करना विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यहां पर है, इसको सीड को और आपके लिंट जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हमने अलग करना होता है। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डीलिंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका है डिफरेंट कॉटन कंडीशंस की बात करना चाहूं तो आप देख सकते हो सबसे पहले फील्ड कंडीशन में कुछ ऐसा होता है और कॉटन सीड जो है आपका ये है और सीड को रिमूव करने के बाद यहां पर आपका जो फाइबर बचा है ये है और उस फाइबर को फिनिश करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका ये फाइबर है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियस सी बात आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। देखो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, जब हम आपकी एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज होते हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होती हैं उनके अंदर एक या एक से अधिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, देखो दो या दो से अधिक एग्रीकल्चर एक्टिविटी मींस कि जैसे आपका डेयरी फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन, उसके साथ आपका पिग फार्मिंग भी हो सकता है, आपका पोल्ट्री प्रोडक्शन भी हो सकता है, आपका मशरूम कल्टिवेशन भी हो सकता है। जब इन एलाइड एक्टिविटीज को, आपका एपिकल्चर भी हो सकता है, सेरिकल्चर भी हो सकता है, इन एलाइड एक्टिविटीज को जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, मैंने क्या बोला, जब इन एलाइड एक्टिविटीज को आपस में ऐड किया जाता है वो हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग होता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर हमसे पूछा गया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले बोला गया सब्सिस्टेंस, सेकंड बोला गया हायर यील्ड, थर्ड ऑप्शन है हायर प्रॉफिटेबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर जब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस की, तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जब अपनी डेली लाइफ की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो हमारा सब्सिस्टेंस जाता है। हायर यील्ड आपको पता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब पता है आपको प्रॉफिट को इंक्रीज करवाने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि आपका यहां पर फैमिली की नीड्स, जो फैमिली नीड्स क्या है, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, देखो एजुकेशन उसमें इन्वॉल्व होता है। जब इन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कोई फार्मर अपना ग्रो करवाता है तो वो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब एक किसी पर्सन के पास बहुत कम जमीन है, मान लीजिए 1 एकड़ लैंड है, तो 1 एकड़ लैंड के अंदर वो आपका साथ में वहां पर जो आपका एनिमल प्रोडक्शन कर रहा है या लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कर रहा है, उसके साथ और भी एक्टिविटीज कर रहा है, उनमें आपका मेनली क्या है, यहां पर वो अपनी डेली लाइफ की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उन एक्टिविटीज को ऐड कर रहा है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो 1 या 2 गाय आपका पाल सकता है, ठीक है, या आपका पोल्ट्री के लिए ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं कर सकता लेकिन 1 या 2 मुर्गियां अपने डेली लाइफ के लिए कुछ रख सकता है, तो वो भी आपका इसमें जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हायर प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियस ही बात है आंसर होगा ही होगा, हायर यील्ड भी होगा, लेकिन यहां पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारा इंक्लूड इसमें हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज इन टोटल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेंसस 2012 टू 2019। 2012 से लेके 2019 तक जो हमारा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कैटल के अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो बताइए आप। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर अभी रिसेंट आपका 2019 का लाइफ स्टॉक सेंसस आ चुका है और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिजिनस काओ की बात की जा रही है तो उनके अंदर आपका 6% डिक्रीमेंट हुआ है, यहां पर डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन उनकी, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा टेबल प्रोवाइड करवाया गया है, इस टेबल को देख के आप समझ लेना, इसको आइडिया लगा लेना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट रिपोर्ट आई है 2017 में, इस रिपोर्ट को आना था लेकिन अभी ये 2020 में आई है, ठीक है। तो 2012 और 2019 की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें आपका डिफरेंस साफ दिख रहा है, पूरा का पूरा कैटेगरीज का डिवाइड करके यहां पर शो किया गया आपको, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ, तो गाइस इसको यहां से याद कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये पहले आपका कैटल का दिया गया है, कैटल के अंदर प्रॉपरली फिर डिवाइडेड है एक्सोटिक के लिए, एक्सोटिक में मेल और फीमेल, फिर उसके बाद इंडिजिनस में मेल और फीमेल, और टोटल आपका इंडिजिनस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल इंडिजिनस काओ के अंदर 6% यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो बफेलो का उसके बाद है, नेक्स्ट आपका शीप के लिए, गोट के लिए प्रोवाइडेड है, ठीक है। इस डाटा को भी आप याद कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, कम से कम बाकी नहीं तो पूरा का पूरा टोटल पक्का याद करने का कोशिश करना। ओके गाइस, ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहां से आप इनको याद कर सकते हैं। कुछ डाटा भी दिया गया है, इस डाटा को भी आप याद कर सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस रेडी हो जाइए आईबीपीएस पीएसओ के लिए, आपका एग्जाम जो है, जो नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन में 5 या 7 दिन में आने वाला है, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। प्री के लिए आपके पास 2 महीने हैं और मेंस के लिए आपके पास 3 महीने हैं, तो अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।